नमस्कार दोस्तों, आज है 6 अप्रैल और आज का जो वीडियो है वो है गार्डन के जो मैंने काम किए हैं, जो भी गार्डन में मैंने वर्क किया है वो सब का अपडेट आज आपको दूंगी। इसके अलावा मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं वीडियो जो बनाती हूँ उससे मैं कितनी मोटी मोटी रकम, क्या बढ़िया बढ़िया गड्डियों में डॉलर कमाती हूँ। ठीक है, ये आज आपको मैं कितने कमाती हूँ ये मैं बताऊँगी। तो वीडियो को थोड़ा आपको देखने के लिए टाइम देना पड़ेगा और वीडियो में ही बता ही दूँगी। ठीक, अच्छा। और देखिए, पहली बात ये गार्डन के सारे काम मैं खुद करती हूँ, और दूसरी बात ये कि नेम फेम के लिए और पैसे के लिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। अगर मैं नाम के लिए कमाती बना रही होती अगर वीडियो, तो मैंने अपने चैनल का नाम खुद के नाम पे रखा होता। अगर मैं फेम के लिए कर रही होती तो मैं खुद सामने आती, आज तक मैं इतने साल से कभी सामने नहीं आई। और पैसा पैसा तो अभी आप सुन ले ना कितना कमाती हूँ, मज़ा ही आ जाएगा सुन के आपको। तो अक्सर पूछते हैं लोग, अरे बाबा इसमें पूछा ना पूछा, वो रिश्तेदार पूछते हैं और रिश्तेदार से बाप रे बाप, रिश्तेदार बहुत सिर दर्द होते हैं उनको, तो क्या ही बोलूँ, रिश्तेदार ही तो सिर दर्द होते हैं असलियत में। आप लोग तो बहुत अच्छे हो। एक्चुअली जो ये वाला मेरा गुड़हल है ना, ये पहले गमले में लगा था और मेरा ये कम से कम नहीं तो 8-10 साल पुराना ये मेरा हिबिस्कस है। तो इस बार मैंने सोचा कि बहुत बार बार मुझे देखभाल भी इसकी करनी पड़ रही थी और वो बात नहीं आ रही थी फूल देने में, तो मैंने फिर इसी ग्रो बैग में वही गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट भर के जैसे मैं लगाती हूँ ना, वो मैंने अपना उसमें लगा दिया। उसका वीडियो मैं किसी दिन शेयर कर दूँगी। और ये देखिए, ये लोटस में इसको भी रिपोर्ट किया था, तो इसमें पत्ते जितने आप देख रहे हैं ये सारे नए वाले पत्ते हैं। ये देखो, जो ये वाला जो सॉरी इस तरीके के जो ऊपर ये वाले पत्ते होते हैं ना, जो फ्लोट नहीं करते हैं, जब वो निकलना शुरू होते हैं तब ये होता है कि हाँ भाई हो सकता है फूल निकलने का टाइम हो। हालांकि अब इतनी गर्मी में तो खैर क्या ही होगा। चलिए आपको और कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, ये जो है पौधे लगाई थी मैंने, उसकी सनफ्लावर की लगाई थी, और इसमें मुझे थोड़ा न्यूट्रेंट कम लग रहा है अब, क्योंकि हो क्या गया है ना, इसमें न्यूट्रेंट का क्या बताऊँ, ग्रो बैग में तो सब चीज़ें खूब भरी हुई हैं, पर इसमें तरबूज भी लगा दिया है, ढेर सारे तरबूज हो गए हैं। तो अब लड़ाई चल रही है इन लोगों की कि चलो इसमें खाद दूंगी, फर्टिलाइज़र अभी एक और मैंने तैयार किया है तो वो फर्टिलाइज़र दूंगी। और जो ये वाला गार्लिक वाइन है मेरी, गार्लिक वाइन में बहुत सारे ढेर सारे वो लगे हुए थे इधर साइड में ना, ये दिखाती हूँ, ये वाला, ये जो समर पिटूनिया है ये बहुत निकल आए थे हद से ज़्यादा, तो मैंने सारा उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया। और अब जैसे हटाया ना, क्योंकि कुछ भी हो कैसे भी प्लांट हो न्यूट्रेंट तो वो लेते ही हैं ना मिट्टी में, अब मिट्टी में जो भी है। तो ये देखिए, अब इसको थोड़ा कहीं किसी जगह मुझे लगाना है। चलिए मैं आपको एक कटिंग दिखाती हूँ उसकी, नागचंपा की। ये जो है मैंने नागचंपा को प्रून किया था, तो जितनी मतलब जो भी प्रूनिंग करने के बाद जो कटिंग्स निकली थी ना, उनको सब मैं ऐसे ये बोरियों में लगा दिया था। और आप देखो कि ये टूटा हुआ गमला था तो उसमें भी लगा दिया था, ये सब लग गई है सब। अब इतने पौधे हो जाएंगे ना कि समझ भी रहेगा करो क्या। और ये तो खैर वो है लेमन ग्रास है, और ये पता है वो है स्टीविया का प्लांट है, ये मीठी तुलसी स्टीविया जो शुगर फ्री टेबलेट्स बनती है ना, ये वो है। इसको मुझे बालकनी में ले जाना पड़ेगा, इसकी मिट्टी भी सूख रही है जल्दी। ये तो खैर सनफ्लावर्स के सीडलिंग्स हैं। मोगरा तो आपने देखा ही है कितना फूल खिल रहा है, ये देखिए कितना ज़्यादा, और इतनी अच्छी खुशबू आती है। पता है इस टाइम पे थोड़ा दोपहर का वैसे वो वाला टाइम हो रहा है ना, थोड़ी धूप सी है, तो उतनी नहीं, शाम को जैसे जब मैं पानी डालने आती हूँ और इसके पास से इतनी तेज खुशबू आती है कि क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। गैलेडिया भी खिल रहा है। पता है क्या होता है, ये जो है ना बड़ा इसमें काटे ऐसा रहता है, तो इसको मतलब हाथ से वो करो तो यहाँ पे चुभने लगता है, तो इसको वो दो, ये वो दो ही लगाए थे इस बार, ज़्यादा लगाए नहीं थे मैंने। और गुड़हल अच्छा एक बात बोलूँ, पानी रोज़ डालने का टाइम हो गया है, अपने रोज के रोज ही डालना है। तो
हिबिस्कस जितने हैं मेरे सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कल शाम को आपने मेरा वो पर्पल वाला गुड़हल देखा होगा, एक 6 इंच के पॉट में लगा था, कल शाम को मैंने रिपॉट किया है और ये देखो धूप में रखा है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। इस हालांकि इधर से धूप अब जली जाएगी, इधर रहेगी नहीं। तो वैसे ही 10:30 बजे का टाइम है और मैंने किस तरीके से रिपॉट किया देखो, कितना हेल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ नहीं। इसका वीडियो बाद में मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। और बोगनवेलिया खिल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए एक बार पूरा खिल चुका है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब अभी पहली बार खिला, एक बार खिल गया था, ये दोबारा से ये सारा जो है खिल रहा है। सनफ्लावर और है, सनफ्लावर मैंने काफ़ी, ये देखो ये जो है ओलियंडर, ये वाला उसमें जो ग्रो बैग में लगाया था ना, मैं यही देख रही हूँ कि अभी कल शाम को मैंने पानी दिया और सारा मिट्टी फिर से सूख गई है। बताओ जरा, जितने मैंने ना चंपा, ये जो प्लूमेरिया हैं, ये रिपोर्ट किए थे, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है, वीडियो तो मैंने शेयर किया था, ये अक्टूबर में रिपोर्ट किया था। तो ये जो मतलब प्रूनिंग करने के बाद जो इसकी ब्रांचेस निकली थी, तो वो क्या किया था, वो मैंने लगा दिया था, ठीक। और आप देखो, ये देख रहे हैं ना, मतलब ये कटिंग्स में फूल, पहले कोई भी फ्लावर जो है ना वो हमेशा छोटे पॉट में जल्दी निकलता है, आप बड़े में लगाओगे तो वो देर लगेगा, टाइम लगाएगा। तो मैं देखती हूँ और किधर गई कटिंग, ये देखो ये सब बस ऐसे ही कटिंग मैंने मतलब ये ऐसे छोटे छोटे 6-6 इंच के, देखो ये है ना, ये सब कटिंग प्लूमेरिया की लग गई, जितनी लगाई थी, मतलब फेंका नहीं था और वो सब लग गई। ये देखिए छोटू सा है ये, और इसमें भी वो मतलब बोगनवेलिया निकला है। फिलहाल जेड पे काम कर, जेड पे पता हूँ क्या हुआ, इस पे इसको मैंने प्रून वो कर तो दिया था, ये वाला जो मेरा पिकॉक वाला आप देख रहे हो, अभी मैं बालकनी में चलूँगी तो आपको दिखाऊँगी, कोचिया लगाया था जब, तो ये लग गया है, सब सेट हो गया, पर इसमें काम बहुत सारे बच्चे, आराम से करूँगी, इस पर बहुत सारे जेड हैं। और मेरे से किसी ने पूछा था कि बड़ी पत्ती वाले जेड का केयर टिप्स, तो देखो सेम ही होता है, बड़ी पत्ती छोटी पत्ती जेड प्लांट का केयर टिप्स एक ही होता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो। और ये देखो अमरूद में भी कितने फूल निकल गए, ये भी ऐसे किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, इसका वीडियो क्या कैसे भरती हूँ क्या करती हूँ वो उसका लिंक दे दूँगी, ठीक। और ये वाला ओलियंडर को तो सोचती रह गई कि चलो वो करूँगी, सोचती क्या रह गई, आपको पता ही है कितनी मेहनत करती हूँ यहाँ एकदम बिल्कुल, मतलब उधर भी जब सफाई किया है तो 3-4 घंटे मैंने रोज दिया है अपने गार्डन में पूरा, मतलब अपना घर का काम वाम वो सब सेट करके, उसके बाद बिल्कुल सफाई वफाई सब खूब करी। तो ये देखो ये फट गया है, इसको कुछ नहीं है, इसकी प्रूनिंग की थी। और ना पता है ज़मीन में जो लगा है मेरे, वहाँ पे इतना ज़बरदस्त उसमें मल्टी पेटल वाले वो होते हैं, उसमें फूल आते हैं, अभी देखती हूँ अगर मौका मिलेगा तो इसी वीडियो में, नहीं तो किसी और वीडियो में। ये चीकू है, चीकू देखो क्या बढ़िया वो चल रहा है, ये देखिए। तो फूल तो देखो सारे सब में ही आ गए, इसमें पता है अब क्या करना है, जैसे ये देखो ये सब इसमें निकल चुका, ठीक। अब इसको रहने नहीं देना है, अगर रहने दिया तो इसमें बीज बनने लग जाते हैं, बीज से बहुत बहुत पता है, इसके बीज अगर पड़ोस के गमले में कहीं अगल बगल गिर गए ना तो उसमें भी पौधे निकल आएंगे। तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग हर समय करते रहना। ये क्या निकल आया यहाँ पे, अरे यार हम क्या बोलूँ, मैं बोल ही रही थी कि ये बीज है, और ये देखो इसकी सीड, इसकी फलियाँ निकल आई। वही तो मतलब आप ना इतने सारे प्लांट है, जरा सा कोई चीज़ देखने से रह भर जाओ बस। अब इसको तो हटाना पड़ेगा, मुझे अभी तो कोई बीज नहीं चाहिए, वैसे ही मेरे पास बहुत है, मैं अभी उससे कटिंग वटिंग से भी लगाए हुए हैं। अपराजिता में फिलहाल फूल खूब निकला, अब इधर सन्नाटा है, दिख रहा है। अरे इसको खाद की ज़रूरत है, वही देती हूँ मैं, अभी वो बनाया है संतरे के छिलके का और बनाना पील का। तो ये देखो चांदनी बहुत बढ़िया रहता है, ये वाला चांदनी आप लगा लो। तो इसको भी कटिंग से ही लगाया था मैंने,
सब जो है बिल्कुल वो थे, सन्नाटा था एकदम। यहाँ पत्तियाँ वो डंडी फंडी सब दिख रही थी, एक हाथ में तो समझ भी नहीं आ रहा था कि ये पौधा है कौन सा। और सब फिलहाल पत्तियाँ वत्तियाँ निकल आई। और ये तो महाशय जो है ना, इनका तो पता नहीं अलग ही चल रहा है। ये जो है ये स्टेम है उसकी वाली है, गुड़हल की, पीले वाले फूल की। पत्ती के नाम पे एक पत्ती नहीं है, इसको शर्म भी नहीं आ रही है, बताओ। एक तो कली, अब ये कली क्या ही रुके, ये गिर पड़ेगा। मैं भी नहीं निकाल रही हूँ, छोड़ो, अभी इसमें जड़ एक्चुअली बनी नहीं है, इसलिए मैं नहीं निकाल रही हूँ इसको। और जितने गुड़हल है ना, वो तो क्या मस्त चल रहे हैं मेरे, ये देखो। और कोई ये वो नहीं है कि वो मिली भाई मिली बग हो, ये हो वो हो, कीड़े हों, ऐसे नहीं होते हैं कीड़े। अरे आप लोग देखो ना कितनी कलियाँ हैं। अब कोई कहेगा कली है तो कली कली बिना खिले गिर जाती है, नहीं गिरेगी। पता है जब भी आप हिबिस्कस में पानी डालिए ना, तो हमेशा ऊपर से डालिए और टिप को खूब अच्छी तरीके से। आप कहोगे ये हिबिस्कस थोड़ी ना है, ये तो शिमला मिर्च है। हाँ शिमला मिर्च है, मैं बता रही हूँ, दिखा रही हूँ बस, कि जो कलियाँ होती हैं उसके ऊपर से पानी डाल के खूब अच्छे से धो दीजिए। कलियाँ जब आती हैं ना, तो कलियों के साथ ही जो मिली बग है, वाइट है, वो मतलब एफिड्स है, ब्लैक एफिड्स, ये सब आने लगते हैं। तो बस यही करा करिए, और कुछ नहीं होता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर हम बिल्कुल छोड़ देते हैं ना, ये तो इसको क्या कहा जाए। ये देखो पत्ती के नाम पे प्लांट हो गया है ख़त्म, इसमें कुछ नहीं है बचा है। और ये टमाटर महाशय जो है एकदम सूख सूख के, इसको मैं अब ले जाती हूँ, इसको नीचे ही अभी ले जाती हूँ। ये देखो कैसे वो तो पक गया है पूरा का पूरा। यहाँ वही है ना, मिर्ची के सारे बीज डाल दिए थे ढेर सारे, वो मिर्ची कई बार ना उसको क्या बोलते हैं, सूखी वाली लाल मिर्ची जो होती है, तो नीचे नीचे थोड़ी सी बच गए थे उसके बीज, तो मैंने कहा छोड़ो फेंकने से अच्छा है इसी में डाल देते हैं। वो इतने सारे पौधे आ गए। एक मेरा ना ये टूटा हुआ गमला पड़ा था, और वही जो अभी आपको मैंने गुड़हल दिखाया ना, एक और दूसरा गुड़हल, वो तो नहीं, तो वो लगा था मैंने उसमें सही से चल नहीं पा रहा था, तो सोचा फेंकने से चलो ज़्यादा अच्छा है। ये टूटा आपको कहाँ टूटा है, ये इसका यहाँ से पेंदा टूटा हुआ है यहाँ से, तो ये कटोरा रखा हुआ है। और ये ना देखो इसमें कलियाँ भी आ गई हैं पर्सलेन में। असल में ना काम देखो गार्डन में कभी ख़त्म नहीं होता। और अच्छा हाँ भैया, वो भी रिपीट कर दूँ, मेरा जो एक और रिचुअल है, एक जो बोलने का बनता है कि बोलना ही है, कि मैं अपने गार्डन के सारे काम, मुझे बड़ा अजीब लगता है बोलने में, पर क्या करूँ यार, बोलना पड़ता है। मतलब आप जैसे ना होता क्या है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत लोगों के गार्डन होते हैं ना यार, मुझे तो देख के बड़ा अजीब लगता है, मुझे मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे लगता है हे भगवान, ये इतना सजा सवरा, इतना अरेंज्ड है ना बाबा। मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर मिट्टी पड़ी है, थोड़ा बहुत इधर उधर भरे हुए हैं गमले, थोड़े से ये वाले कोने, जो कि ये भी हमारी लाइफ, जैसे हमारी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल चमक धमक नहीं होता ना, वैसे ही भाई गार्डन में भी सब तरीके की चीज़ें होती हैं। एक एक जगह ऐसी भी होती है जिधर आप खाद वाली चीज़ें भी रखते हो, ये वो है सुख शांति। अरे भैया मेरी सुख शांति तो पीछे हो गई है, इसको सुख शांति को आगे लेके आऊँ, नहीं तो ये कूड़े में सुख शांति चली जाएगी, तो इसको मैं आगे रखती हूँ। तो चलो ठीक है, ये एक्चुअली क्या था, इधर इसके उस पर आ गया था आड़ में, इसका वीडियो शेयर किया था मैंने। तो भैया मैं मेरा इसलिए बताना ज़रूरी रहता है, अब खुद करती हूँ, बहुत मेहनत रहती है गार्डनिंग में, तो वाकई बहुत मेहनत है, और लेकिन अच्छा लगता है। किसी और के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ, तो अपने लिए कर रही हूँ, ठीक है ना, उसमें वो थोड़ी ना है। और रही वो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सोचे कि बहुत पैसा वैसा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, अब क्या बोलूँ। एक प्लांट आप देखो सब्सक्राइबर, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे लोगों को पैसे नहीं मिलते, ऐसा नहीं है, मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कंटेंट पे डिपेंड करता है, व्यूज़ पर डिपेंड करता है। अब कंटेंट क्या हो गया कि कंटेंट अगर भाई देखो गार्डनिंग का है, वो भी मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ, खुद मेहनत वाला है यार, या किसको मेहनत, बहुत कम लोग मेहनत करना चाहते हैं, सबको सुंदर सुंदर गार्डन चाहिए, सब कुछ चाहिए, मेहनत बहुत ही कम लोग करना चाहते हैं। गार्डनिंग कुछ लोग करते हैं, और जो लोग वाकई में बहुत अच्छे गार्डन होते हैं ना,
वो तो मतलब अपने में ऐसे मगन होते हैं, उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं होता, वो वीडियो वीडियो जल्दी बनाते ही नहीं है, उनको इतना नॉलेज होता है, इतना नॉलेज होता है। खैर उसके अलावा ना कंटेंट पे होता है, अब यही गार्डनिंग के अलावा कोई और कंटेंट हो, कुछ उल्टा सीधा हो, गंदे गंदे वीडियोस हो, या कोई गॉसिप हो, कोई घर का प्रपंच हो, कुछ भी, तो उसमें व्यूज खूब आते हैं। तो व्यूज पे डिपेंड करता है, व्यूज जिस पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मेरे वाले गार्डनिंग उसमें 100, 50, 200, 300 व्यूज आ गए, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि इतना महीने भर में इतना आ जाता है कि मैं जाके 2-4 प्लांट खरीद लूँ, या एक आध मान लो चलो स्टैंड खरीद लिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा खुल के नहीं। अब आप समझ सकते हो कि एक स्टैंड कितने का आता होगा, या प्लांट आप गार्डनर हो, आप प्लांट के ही वीडियो देख रहे हो, आपको पता है, तो बस आप इतना समझ लो। तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता, ऐसे ही है। और बाकी मैं अपनी खुशी के लिए गार्डनिंग, तो अपनी खुशी, हर कोई देखो कोई भी शौक होता है और कोई अपनी खुशी के लिए करता है। देखो मैंने मैं अपने ये मेरे पड़ोसी के घर में एमरस लिली खिला है, और मैं देख देख के खूब जलती हूँ, मुझे पता है मेरे घर में वाइट वाला नहीं है ना, इसलिए मैं बहुत जलती हूँ, तो कुछ नहीं है, और गार्डनिंग करती रहती हूँ, अच्छा लगता है। आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करती हूँ, जो भी घरेलू चीज़ें यूज़ करती हूँ। ये देखो पान का पत्ता, इसको मैं ना यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे ले आई हूँ, तो जो भी होते हैं ना वो सब चीज़ें बताती हूँ। मेरे साथ बहुत साल से कई लोग मतलब जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्हीं के लिए वीडियो भी शेयर करती हूँ। चलिए मिल